बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बताओ जी, ये नए साल पे बंदे आए हैं मुबारक देने और लेने, बोल ही नहीं रहे। बोल साचे दरबार की जय, नंगली निवासी भगवान की जय, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, सबसे पहले तो आप सबको श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, दादा गुरु महाराज जी की तरफ से, श्री राम जी की तरफ से, कन्हैया जी की तरफ से और मुझ गरीब की तरफ से, स्वामी जी की तरफ से ये नया साल तंदुरुस्ती से भरा हुआ, बरकत से भरा हुआ और उनकी कृपा से भरा हुआ हो। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे, अभी ये बच्चा वो भजन बोल रहा था एक, उधो संत मोहे अति प्यारे। ये हर युग के अंदर जब जब भी भगवान आए हैं, पहले त्रेता रहा, त्रेता में भगवान ने 14 वर्ष तक जंगलों में जाके एक एक संतों के पास जाके आशीर्वाद लिया और उनसे वचन ग्रहण किए एक एक के पास। अब वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां सबका आशीर्वाद लिया और बार बार सबका प्रणाम किया और वहां पर जाकर एक मर्यादा कायम की जो कि आज खत्म हो चुकी है। वहां पर सबसे पहले तो लक्ष्मण जी खड़े रहे, उनसे कहा गया भी विराजमान हो जाओ। कहते मैं सेवक हूं, कैसे बैठूं मैं, ऐसे ठीक। और सब महापुरुषों के वचनों को इकट्ठा करते हुए अंत में जब भी उन्होंने जो है पहुंचे हैं वहां पर, और उनसे कोई पूछे ना, आपने उसमें उत्तरकांड में पढ़ा भी होगा, पूछा माता ने कि तुम इतने नन्हे से, और वो रावण इतना बड़ा, उसको तूने मारा कैसे? बोले कुछ नहीं है माता, रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा, मैं, क्योंकि उसके अंदर संतों के प्रति वो कितने उसने अत्याचार किए, सब कुछ किया और सबसे बड़ा संतों को उसने सबसे ज्यादा कष्ट दिया। संत ये नहीं है कपड़ों से कोई संत हो, संत मन से। शबरी माता ने कौन सा भगवा पहन रखा था, केवट ने कौन सा पहन, सबका उन्होंने सम्मान किया है, सबसे उन्होंने जो है हाथ ही जोड़ते हुए लंका तक पहुंचे, कहीं भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। और अगर कहीं लक्ष्मण भाई को क्रोध भी आया है तो उसको शांत किया कि नहीं कुछ नहीं कहना। केवट के समय में आ गया था उसे क्रोध भी, ये क्या जा नाव को इधर उधर ले जा रहा, वो बोले भाई तू चुप रह, ये खरीदे गए हम। क्योंकि उन्होंने हमेशा एक मर्यादा कायम की है और वो हमारे लिए एक चरण चिन्ह छोड़े हैं कि हम भी अगर सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वश्रेष्ठ बने थे तो वो पहले ही से, कोई हमारे या तुम्हारे कहने से नहीं बने थे तो वो पहले से ही, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात सिद्ध करके बताई कि ए जीव, अगर तुम सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो तो तुमको सबके आगे
नतमस्तक होकर रहना पड़ेगा और संतों का उनको खास सम्मान करना पड़ेगा। मेरे जैसे संत नहीं है, भगवा पाली संत बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। संत रहे ये महापुरुषों जैसे, स्वामी जी हमारे, और कितने रहे। केवट परिवार वाला था लेकिन उसकी भी गिनती उन्होंने संतों में की। माता शबरी की भी गिनती उन्होंने संतों में की, और भी जितना रहा सबसे उन्होंने प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। यहां तक कि जब वो उठाना था धनुष, उठने की बात आई तो सबसे पहले मने मन प्रणाम गुरु की न, मन ही मन में उन्होंने पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। अति लागव उठाए धनु लेना, धनुष को उन्होंने तुरंत उठा लिया। हम भी अगर अपने गुरुदेव पे, हम भी अगर अपने मालिक पे भरोसा रख के और हर कदम पे उनको साथ लेके नहीं, उनसे पीछे चले। पीछे का मतलब अब आप कहोगे जी वो सामने तो है नहीं, उनके उनके चरण चरणों के पीछे, जो जो वो हमको सिखा गए हैं, जो जो वो हमको कह गए हैं, जो जो वो हमको आज्ञाएं दे गए हैं, अगर हम उन सभी आज्ञाओं का पालन करते हुए चलते चले जाएं, मुझे नहीं पता कि हमें फिर भगवान की जरूरत है। माता पिता और गुरुजन, ये अगर हमसे ये तीनों अगर खुश है ना, तो भगवान तो पहले है। उसी में लाइन आई थी ना, संतों के दास का मैं दास। और वो एक भजन बड़ा चला चलता है, बालू रेती में लोटपोट होए यशोदा रानी तेरो ललना। वो रमन रेती में खूब लोटपोट होते थे, क्यों? क्योंकि वहां पे सारी संतों की ही भूमि है, सब संत ही संत हैं। और उस रज में वो ऐसे लोटपोट होते थे, पूरी वहां मिट्टी भी खाई गई और वहां पे सब कुछ किया गया, क्योंकि वो उनके मन, वो हम सबको ये सिखाते थे कि तुम संत तुम्हें मिले ना मिले, जहां से वो निकलते हैं अगर तुम उसी रज में भी अगर तुम्हें मिल जाए तो समझना नसीब जाग गए। एक बार शिव पार्वती कहीं जा रहे थे तो एक जगह आई, भोलेनाथ ने वहां प्रणाम कर दिया। माता पार्वती ने पूछा भी यहां तो कोई भी नहीं, तो आपने प्रणाम किसको किया? कहते ये जगह पूजनीय है, क्योंकि जैसे हमारे लिए आगरा की जगह पूजनीय है, ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये जगह पूजनीय है क्योंकि यहाँ पे एक संत ने तपस्या की थी। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे निकले, एक और जगह पे उन्होंने प्रणाम कर दिया। उमा ने पूछा भी अब यहाँ पे क्या है? कहते आने वाले समय में एक संत आके यहाँ तपस्या करेंगे, ये पहले से ही पवित्र है। महापुरुषों को तो पता होता है ना प्यारे, हमेशा ये महापुरुष हमको मुनि दुर्वासा जी वाली बात, कौन नहीं जानता क्या हुआ जब उनको गर्म खीर लपेटने को दे दी गई, तो उन्होंने भी पलट ली। हमारे तुम्हारे जैसे होता तो कहता लगता गुरुजी का चल गया, अरे खोलती खीर हम मुंह पे कैसे डालेंगे? डाल सकते हो आप, अभी आप हमको दाल दो, दाल गर्म हो हम भी गर्मा गर्म खा लें। और गीता से हम कहें भैया ये क्या है, तो गीता गई ठंडी करके खा लें दे, तो किसी ने किया उसे खोलती खोलती खाण नू, उल्टा हम ही को टोक देगी। सभी का ये हाल है, वो तो सामने बैठी तो नाम आ गया, ये हम सबका यही हाल है। हम कह सकते हैं और कहते ही हैं, ओ भाई जी थोड़ी ठंडी हो जानी देने, तुसी भी हद ही करती है ना। और उन्होंने अगर गरम गरम खीर का चम्मच मुख में डाला है और वो हुई दिक्कत, तो दुर्वासा जी ने कहा ये क्या दिया गर्मा गर्म, वो कांप रहे हैं, हाँ अब क्या करना। कहते ये सारी खीर अपने ऊपर लपेट लो। कन्हैया ने सर पे डाला पूरा पतीला खोलता हुआ और सर से लेके पैर तक
कुम्हार वाली बात संत जन ठोकते हैं लेकिन हाथ अंदर रख लेते। अब तो मशीनें चल पड़ी हैं, पहले डंडे मार मार के हम लोग कपड़े धोते थे, कभी हमारा जमाना था। और जब खेस और गिलाफ वगैरह होते थे तो दो दो सोटे चलते थे, चलते थे ना, जो बड़े बनते हैं सबको पता होगा। ईमानदारी से बताइएगा, जब कपड़ों को पीटते थे तुम तो क्या सोचते, फट जाए? मारते थे उस ढंग से मारते थे कि हाँ जहां मैल दिखाई दे रही है वहीं पे सोटा मारा, अंदर से होता था नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी भी डाल देंगे उसको चोट ना लगे और कपड़ा फटे ना, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसके ऊपर, हम अपना बता रहे हैं तुम्हारा नहीं पता, तो थोड़ा थोड़ा कपड़ा पानी डाल करके जो है वो किया जाता था कि इसको फट ना जाए कहीं, और फिर बाद में वो कपड़ा निखिर के आता था। ऐसे ही जितने भी महापुरुष हुए उन सब ने हमारे लिए प्यारे एक छाप छोड़ी है, लेकिन हम कुछ सीखना ही बल्कि सिखाना चाहते हैं। सवेरे व्हाट्सएप खोल लो अगर गलती से तो ऐसे लगता हरिद्वार में आ गए। अब देख ज्ञान पे ज्ञान, देख ज्ञान पे ज्ञान, देख ज्ञान पे ज्ञान, खुद पे अमल हो या ना हो, है ही नहीं मेरे समेत, पर दूसरे को फॉरवर्ड कर दो, खुद चाहे देखा भी ना हो। आगे चल, आगे चल, आगे चल। कम से कम एक भी वचन उसमें आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आते हैं, उनको देख के भी अगर हम चाहें तो हमारा कल्याण निश्चित है। पर हम तो सोचते हैं दूसरों का हो जाए हमारा तो हुआ ही पड़ा। बड़ा मुश्किल है आज के युग को समझना प्यारे, हालात बहुत अजीब हो चुके हैं, और अभी तो कुछ नहीं, आगे आगे तो खेल और बिगड़ने वाला है। बहुत नाजुक समय आ रहा है और बहुत खराब समय आ रहा है। मालिक उठा लियो पहले ही। हम भी बड़े नसीब वाले हैं कि हमको भी संत सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हुई है, मुकद्दर वाले हैं हम। मैंने तो खोजा नहीं भाई, तुमने खोजा हो तो पता नहीं, मैंने तो नहीं खोजा, मेहनत की तो मेरी माँ ने की है, और स्वामी जी से माँ ने मिलाया, और हम आज इसीलिए ही ये लाइन बनी थी कि मेरी पतंग तो उड़ाई उचान पर इन्हीं लोगों ने उड़ाई है, हम तो किसी उस पर थे कटपिट जाती कब तक। पतंग होती अभी मकर संक्रांति आ रही है, खूब उड़ाएंगे सब बच्चा पार्टी, मुझे याद आता उड़ाई तो मैंने भी बहुत है। और वो पतंगे एक बात होती है उसमें, जब वो आसमान में उड़ती है कौन उड़ाता है, मान लो प्रमोद भाई पतंग उड़ा रहा है, ठीक उड़ाई उसने और डोर को ढील दे चलता रहता, क्या वो ढीला करो और ढील दे और ढील दे, और उधर वो पतंग ऊंचाइयों पे जाती रहेगी, इधर से डोरी लंबी होती रहेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी। और प्रमोद बड़े खुश हैं, भाई साहब मेरी पतंग वो गई वो गई वो गई। इतने में प्रथम की पतंग उड़ गई साथ में, अब इसने कंपटीशन में शुरू किया और इसने सोचा कि अब ये पतंग को मुझे काटना। यही होता है पतंगों के मामले में, यही मसला चलता है। मेरा मंजा जो है मजबूत होना चाहिए ताकि मैं उसकी भी काट दूं, उसकी भी काट दूं, उसकी भी काट दूं। हम तो बीच में लोहे की तार लेनी शुरू कर दी थी, पतली वाली टंगस्टन की तार जो बल्ब में जलती जो है वो मुड़ती भी रहेगी और वो तो कटेगी नहीं, सबकी पतंगे काट के सारी पतंगे मेरी, मतलब क्या बुद्धि खराब होती थी हमारी। तो इतनी पतंग को जो है मजबूत से मजबूत मंजा लेना, अगर डोरी ली है उसको मोम लगाएंगे, उसको ये करेंगे ताकि मजबूत हो जाए, और पतंगों को काटना, ठीक है सबका यही होता है। ऐसे ही प्यारे हमारे जीवन की पतंग भी उड़ रही है, और
हम सोचते हैं कि हमारी पतंग खूब चल रही है अर्थात हमारा जीवन खूब बढ़िया चल रहा है। नहीं, काल ने हमारा अपना मंजा ना बहुत तेज कर रखा है। कुछ पता नहीं कब किस वक्त जो है वो मंजा चलाएगा तो हमारी पतंग कट जाए। दूसरी बात, प्रमोद भाई की पतंग उड़ी खूब आकाश में, ऐसे लगता जैसे आकाश से भी ऊपर चली गई। खूब उड़ी, खूब उड़ी, खूब उड़ी। ठीक, अब इसने काट दी। अब वो पतंग का कुछ पता नहीं, खाई में गिरेगी, खड्डे में गिरेगी, नाली में गिरेगी, पेड़ पे अटकेगी, या बिजली की तारों से अटकेगी, या फिर किसी बच्चे के हाथ में नोचा नाची में उसके चिथड़े उड़ेंगे। पता चलता कुछ? पतंग को भी नहीं पता और जिसकी पतंग है उसे भी नहीं पता। ये कट तो गई, अब ये कट के किधर जाएगी कुछ भी पता नहीं होता। तो प्यारे, ऐसे ही राम जी ने भी लक्ष्मण जी से यही बात कही थी कि लक्ष्मण, हमारे भी जीवन की डोर जो है ना, रावण की ही बात मत कहना, हम सबके जीवन की डोर ऐसे ही चल रही है। कब काल का मंजा आएगा और वो पतंग को काट देगा कुछ भी पता। आप लोगों को तो पता होगा भाई, मुझे तो पता कोई, और हमारा तो ये भी नहीं पता, सड़क पे जाएंगे, गली में जाएंगे, घर पे जाएंगे, बाहर जाएंगे या किसी के घर पे जाएंगे, कुछ पता नहीं है, किसी का भी नहीं पता। वैसे तो पता वो आखिरी समय कब कहाँ क्या आएगा, हमारी पतंग की डोर जब कटनी है तो हम उस समय कहाँ होंगे कुछ, और ये कहाँ जाएगी। बहुत पहले एक छोटा सा बनाया था पतंग का भजन, मैं तेरी पतंग वे श्यामा, मैं तेरी पतंग वे, जे तू मेनू उड़ावे ताई आकाश उड़दी जावांगी, डोर हथों छड़ी ना दाता मैं लुटी जावांगी, डोर हथों छड़ी ना साईया मैं लुटी। पतला छोटा सा पतंगी पेपर होता ही है, पतला शरीर मेरा छोटी जी पतंगिया, तेरी हाँ मैं तेरी साइया, चंगी हाँ या मंदिया, दुखां दी हनेरी विचों उड़ के देखावांगी, पर डोरे हथों छड़ी ना दाता लुटी जावांगी। गुरुवर प्यारिया आकाश ते उड़ावी वे, गुरुवर प्यारिया आकाश ते उड़ाई वे, पर एक अर्जी है, माया दे नाल मेरा पेचा ना लड़ावी वे, माया दे नाल मेरा पेचा, देखी तेरी याद विच सब भूल जावांगी, देखी तेरी याद विच सब भूल जावांगी, पर डोरे हथों छड़ी ना दा मैं लुटी जावांगी। अगर उन्होंने डोर पकड़ी हुई है, वैसे तो वो छोड़ते ही नहीं है वो, मतलब या तो पकड़ते नहीं है, और अगर पकड़ लेते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं है, छूट जाती है। हाँ, प्रार्थना, प्रभु माया से पेचा मत लगाना, ये तेरी माया बड़ी प्रबल है, ये बड़ी दुखी करे, और ये कहीं बीच में अटक दे जाती है तो फिर हम बड़े परेशान हो जाएंगे। तो प्रभु इस माया से हमारा पेचा ना लड़ाना, और हमको अपने चरण शरण में लगा करके रखना। तो प्यारे, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, टाइम तुम्हारा बहुत आगे भी हो रहा है। श्री गुरु महाराज जी आप सबको अपना प्यार बख्शें। 1 साल हो गया बताओ तुम लोगों को मिले हुए, आपको तो दया नहीं आती किसी को, हमें तो बहुत ही याद आई। 1 साल हो गया बंदे नहीं मिले हमारे, आपको नहीं याद आई? आपको याद ही नहीं आई किसी को भी? 1 साल हो गया हमको मिले हुए, चले आश्रम में जाके, भाई जी किले विले ठोके बैठी है तो
तो जरा हालचाल ही पूछे आए एक बार। कमाल है यार, 1 साल हो गया हमसे कोई मिलने ही नहीं आया। हमने कहा गारिये तू ही चिट्ठी पा दे, भाई साल हो गया अब तो मिल जाओ। प्यारे श्री गुरु महाराज जी, आप सबके ऐसे ही मुस्कुराते रहना। मैंने बहाने से हंसाया ताकि श्री गुरु महाराज जी आपको इसी तरह से ही हंसाते रहे, मुस्कुराते रहो और उनका प्यार पाते रहो। क्योंकि एक बात बता दे, उनको हंसते चेहरे बहुत पसंद है। अब बात, अच्छा एक बात बताओ, ए अनिल बहन जी आए मेरे पास, भाई जी ऐ हो गया ऐ हो गया ऐ हो गया ऐ हो गया, मैं भी सत्संगे जी तो आ जाती है ना, होगा कि नहीं होगा भैया? मैं अपना बता रही, लेकिन अगर हमेशा हंसते हुए आए और अगर कभी किसी दिन भगवान ना करे उदास सा चेहरा भी आ गया ना, तो हम खुद पूछ बैठेंगे भाई क्या हो गया। ऐसे ही है, और तुम रोज गुरुमा जी है कर दो है कर दो है कर दो, उन्होंने ढूंढड़ियां ढूंढ ऐसे ही अगर रोती रहती है। हमेशा उनसे हंसते हुए आओ, कभी उनसे पूछा यार तुम्हारा क्या हाल है, ठीक ठाक बिजनेस कैसा चल रहा है, हम तो खूब मजाक करते हैं। तो तुम भी जो है ज्यादा मजाक ना करो, पर उनका हालचाल तो पूछ ही सकते हो। हमारा चलो भाई बहन का मसला तुम रखो अपना हिसाब किताब अपने पास, उनसे भी पूछ लो। और गुरु महाराज जी, वो 1 साल हो गया रिठाला वाले गुरुमा जी से मिला, अरे कपड़े बड़े नोने नोने पाए हो, न्यू पेंचो है। क्या है, हंसो और गुरुमा राज जी भी खुश हो जाए, ऐ मजा आया बंदे अनु मिलके, और तुझे रोंदड़िया नहीं रोंदे हुए नहीं आ रहा, मुस्कुराते रहो ऐसे ही। ये मत सोचना ठंड बहुत है ना, कल सूरज निकला बताओ क्यों निकला, बताओ? कल धूप निकली थी, कल संडे था। सूरज का दिन था तो सूरज को तो आना था, और आज तो मन का दिन है तो मन से चलो जैसे भी चलोगे। ऐसे ही हंसते रहो प्यारे, और इस बार जोर से बोलो आ और कैसे हो, बोल जयकारा, बोल सच्चे दरबार श्री गुरु महाराज जी। पूरा साल आपको ऐसे ही हंसाते रहें, खूब आप आनंदित रहो, खूब प्यार से रहो, और गुरु महाराज जी अपनी भक्ति से अपने प्यार से अपनी कृपा से आप सबको फलीभूत रखें। इसी के साथ ही हम वाणी को विराम देंगे। बोल जयकार, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच।